वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत मज़े के सिंगापुरियन राइस। ये राइस एक दफ़ा आप खाओगे ना, इतना कोई आपको मज़ा आएगा इस राइस को खाने के बाद। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताना। बहुत ईजी रेसिपी है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप वन में मैं बना रही हूँ सॉस। सॉस के लिए मैंने ले लिया था 2 कप भरकर मायोनीज, और इसमें 6 टेबलस्पून डाल रही हूँ प्लेन केचप, जो है रेगुलर वो केचप डाल दी। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून हॉट सॉस के डाल दें। अगर हॉट सॉस आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हो। ये दोनों चीज़ें डाल लेने के बाद इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। आप चाहे स्पून से मिक्स करो, आप चाहे हैंड विस्क से मिक्स करो। बेसिकली आपने इसमें कोई लम्स नहीं आने देना, आपने इसको एक बहुत ही स्मूथ सी सॉस बना लेना है। इस तरीके से अच्छा सा इसे मिक्स करते जाएं, और ये जो सॉस है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की बन जाएगी। फिर इसके बाद ये बॉटल्स इस तरीके की मिल जाती हैं, आपने इन बॉटल्स को फिल कर लेना है, क्योंकि ये सॉस हमें एंड पे ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको जब आप सर्व करोगे राइस को, आप तब भी इसे सेपरेट रख सकते हो। इस तरीके से आपने फिल कर लिया, और ये जो दूसरी बची हुई थी उसको मैं ऐसे ही दोबारा रिफ़िल कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसे कर लिया, और अब फिर ये सारा फिल करने के बाद और ये सॉस इस तरीके से रेडी होगी। और चलते हैं फिर इसके सेकंड स्टेप की तरफ। जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें जो स्पेगेटीज हैं, जो नूडल्स हैं, कैसे आपने रेडी करने हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन 1/2 कप आपने घी ले लेना है या ऑयल ले लेना। मैंने ऑयल यूज़ किया है। इसके बाद मैंने 4 से 5 चम्मच गाजरों को इस तरीके से जूलियन कट कर लिया, ये सॉफ्ट जैसे गाजरे। उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद शिमला मिर्चों को जूलियन कट कर लिया, और साथ ही मैंने 1 बंद गोभी का फूल लेकर उसे मैंने फाइन चॉप इस तरीके से कट कर लिया। 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें वाइट पेपर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ नमक। और इसके बाद इसको मैंने स्टर फ्राई करना है। आपने फ्लेम को हाई करना है, क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस के। 4 से 5 टेबलस्पून सोया सॉस डाल लेने के बाद इसको एक दफ़ा कर लूँगी मिक्स। फ्लेम जो है वो आपने हाई ही रखना है। और इसके बाद इसमें डालूँगी नूडल्स। अगर आपने सब्जियों को नरम कर लिया ना, तो इस नूडल्स का वो टेस्ट नहीं आएगा जैसे हमें चाहिए होगा। और इसके बाद नूडल्स बॉईल करने का तो तरीका सबको पता होता है, आपने वैसे ही जिस तरीके से उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, आपने नूडल्स बॉईल करने। और इस तरीके से नूडल्स इसमें डालने के बाद मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद चेक कर लें, अगर यहाँ पर कोई चीज़ कम रखती है डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना था। स्टेप 3 की तरफ आ जाते हैं। जो चिकन रेडी करना है उसके लिए मैंने ले लिया था 1/2 कप जो है ऑयल का, और 1 बड़ा प्याज लेकर फाइन चॉप कट कर लिया था उसको मैंने। और प्याज ऐड कर लेने के बाद आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून नमक। नमक से क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, ये देर नहीं लगती है इसको इतने जल्दी गलाने के लिए। जिस तरीके से होता है ना, हमें थोड़ा टाइम लग रहा होता है, नमक बहुत जल्दी इसे सॉफ्ट कर देता है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डाल देना। मैंने क्रश करके डाला था, आप पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हो, या अगर पाउडर आपने यूज़ करना है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे और ये अच्छा से सॉफ्ट हो गया, इसको गोल्डन नहीं करना आपने। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास तकरीबन 1 से 1.25 आप कह लो किलो होगा इसमें चिकन, बोनलेस चिकन था। इस तरीके से आपने चंक्स में, बहुत चंक्स छोटा नहीं रखना, आपने इतना रखना है कि वो बोनलेस जिस तरीके से क्रीमी हांडी वाला अगर आप देखो तो वैसा वाला जो कट होता है ना, वो वाला आपने यहाँ पे रखना है। तो उस तरीके से कट करके और आपने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक ये इसका कलर हो जाएगा वाइट। इस तरीके से ये वाइट जब कलर में हो जाएगा चिकन, इसके बाद जो इसमें स्पाइसेस चाहिए, इन स्पाइसेस में आप डालोगे 1/4 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1/2 टेबलस्पून आप इसमें डाल दोगे कुटी हुई काली मिर्च, और नमक आप डालोगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नमक हम पहले यूज़ कर चुके हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिली सॉस। चिली सॉस मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डाले, और इसमें मैं डाल दूँगी सोया सॉस। सोया सॉस मैं इसमें 4 टेबलस्पून डाल दूँगी। और इन दोनों सॉसेस के डाल लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 लेमन। आपने फुल लेमन नहीं डालना क्योंकि खटास वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1/2 लेमन इसमें एक्जैक्ट जाएगा, आपने उतना ही डालना है, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, और इसको मैं कर लूँगी मिक्स। चेक कर लूँगी अगर मुझे इसमें चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी कम लग रही है तो इसमें मैं और डाल दूँगी। यहाँ पर मुझे चम्मच चलाते हुए ना थोड़ी कम लग रही थी, तो इसीलिए मैं इसमें अब जो चिली गार्लिक सॉस है वो थोड़ी और ऐड कर लूँगी। और ये तकरीबन इसमें मैंने डाल दी थी 1 कप के आसपास इसमें चिली गार्लिक सॉस चली गई थी,
ये देखें इस तरीके से इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना एक टिप देती हूँ, अगर आपने ना चिली गार्लिक सॉस यूज़ करनी है ना, तो वहाँ पे जब हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाला था ना, वहाँ पे आप लहसुन पेस्ट मत डालें, क्योंकि वरना गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि हल्का सा तेज़ हुआ है, तो इसीलिए ये मुझे ख्याल आया था कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। अगर आप प्लेन केचप यूज़ कर रहे हो तो तब आप चिली गार्लिक सॉस डाल देना। स्टेप फोर की तरफ आ जाते हैं, वो आपने देख ली उतनी मैंने ग्रेवी रख ली थी, और अब यहाँ पे आके अब चावल तैयार कर रही हूँ जो राइस इसके लिए रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने डाल दिया था 1 कप ऑयल का, और 1 कप ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 अदद गाजरों को लेकर। अच्छा सा वॉश कर लिया, पील कर लिया, उसके बाद मैंने इसे फाइन चॉप कट कर लिया। और गाजरों को और वेजिटेबल्स को ना आपने इसमें फाइन चॉप कट ही रखना है, कि जो वेजिटेबल्स है ना आपने देखा होगा उसमें मैंने जूलियन रखी थी, इसमें मैं फाइन चॉप कट रख रही हूँ। और जैसे गाजरें सॉफ्ट हुई, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 शिमला मिर्चें और थोड़ी सी बंद गोभी थी, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। और इसके बाद सोया सॉस जो है वो मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून के आसपास मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि चावल 1 किलो मैंने बॉईल किए हुए थे, तो उसमें 2 सर्विंग स्पून इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस के। इसको मैंने हाई फ्लेम पर ही मैंने इसे मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे ये वेजिटेबल सॉफ्ट नहीं चाहिए थे, मुझे इसका क्रंच ही चाहिए था। चावल मैंने बॉयल करके रख लिए थे, और इन चावलों को आपने कोई 1 कनी या 2 कनी या 4 कनी का चावल नहीं रखना। चावल को आपने बिल्कुल जिस तरीके से होता है ना, हम लोग चावल फुल कुक होते हैं, वैसे वाले आपने चावल रखने हैं, और फ्लेम को आपने हाई रखना है, और इस तरीके से आप नीचे से चम्मच उठा के और इस तरीके से आप मिक्स करोगे। आपने दूसरे तरीके से चम्मच नहीं मिक्स करना, कि उससे क्या होगा, चावल जो है ना वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स करें और देखें कितना खिला खिला सा चावल ये बना है, एक एक दाना इसका खिला खिला सा आपको नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह से कलर वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आ जाते हैं अब इसकी फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप पायरेक्स की डिश ले लो कोई सी भी, अगर नहीं है तो कोई भी आपके घर डिश है वो ले लो। उसमें सबसे पहले लेयर आप डालोगे इन चावलों की, और बेसिकली जो सिंगापुरियन राइस होते हैं ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं वो इसमें ना वेजिटेबल नहीं डालते, वो प्लेन राइस रखेंगे या जो स्पेगेटीज हैं उसको प्लेन कर लेंगे लाइक इस तरीके से। लेकिन मैंने इसको अपनी वेरिएशन दी है, मैंने इसको अपना टच दिया, तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़े के बनेंगे। चावलों की लेयर अच्छी सी दे लेने के बाद इसके ऊपर जो हमने स्पेगेटीज रेडी की थी ना, अब वो उसकी लेयर दे देंगे। अच्छा सा इसको आपने फैला कर डाल देना है इस डिश के ऊपर, ये देखें हर तरफ रखने हैं, ताकि ना जो जहाँ से भी चावल उठाएगा ना उसके पास सारी चीज़ें आएँ, स्पेगेटीज भी आए, चिकन भी आए, सॉस भी आए, चावल भी आए, हर चीज़ उसके पास आएगी। तो इस तरीके से आपने फैलाकर हर जगह पर इन स्पेगेटीज को डाल दिया। स्पेगेटीज डाल देने के बाद जो थर्ड लेयर आएगी वो हमारे चिकन की आएगी। चिकन डालते हुए कंजूसी नहीं करनी, चिकन भी आपने इसी तरीके से सारी जगहों पर आपने चिकन डाल देना है। ये इस तरीके से आप चिकन को हर जगह पर फैला लें और हर जगह ये चिकन डालें। और चिकन डालने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, अब इसके ऊपर सॉस डाल लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगी इस टाइम पे आप सॉस ना यूज़ करें। आप जब चिकन आप डालोगे ना, इसके बाद आपने हल्के हल्के हाथ से ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आपने चावल इसके ऊपर दोबारा से डालना है। उससे जब आप सॉस डालोगे ना, उसकी जो लुक है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस होती है, और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है। इस तरीके से आपने राइस को ना हल्का हल्का सा आप इन चावलों को ये देखें इस तरीके से। अब मैं बहुत भर भर के नहीं डाल रही हूँ, बेसिकली जिस तरीके से हम लोग लोडेड राइस करते हैं ना, इसको भी हल्का सा लोडेड ही करते हैं, क्योंकि इसमें लेयर वैसे ही आ रही होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। इस तरीके से आपने हल्के हल्के से ऊपर चावल डाल देने हैं, और चावल डालने के बाद फिर वो जो हमने बॉटल में फिल करके रखी हुई थी अपनी सॉस, उसको हम फिर लेंगे। और इसके बाद इस सॉस को इस तरीके से आपने ऊपर डाल देना है और इसको कर लेना है रेडी। तो आपने लाजमी ये ट्राई करना है, मुझे लाजमी बताना है, सीरियसली इतनी कोई कमाल की रेसिपी बनती है ना। आप अगर किसी 5-स्टार होटल में भी जाके आप अगर इस तरीके से सिंगापुरियन राइस खाओगे ना, आपको ये वाला लेवल नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ में। आप लाजमी ट्राई करें, आप मुझे अपना फीडबैक दें, और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। और इसकी आप लुक देख लो, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, इसकी सॉस, इसका चिकन का टेक्सचर, इसका स्पेगेटीज का टेक्सचर, लाइक एक जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ओवरऑल अगर उसे देखा जाए तो बहुत ही मज़े का और टेम्पटिंग, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट सेशन में लाजमी आके बताना है। और अगर आपने मुझे इंस्टा पर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें। मेरे चैनल पर नहीं आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका 1 सब्सक्राइब, आपका 1 लाइक,
इट मीन्स अलॉट टू मी, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो आप सिर्फ मुझे एक सब्सक्राइब करके या मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे रिगार्ड में दे देते हो। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए फर्दर बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सबको हमेशा बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। आप कोई भी रेसिपी मेरी ट्राई करते हो ना, आप उसकी पिक्चर अगर सेंड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।